बच्चों, क्या हाल चाल? आई थिंक आप सारे बच्चे अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देखा है, थंबनेल पर लिखा हुआ था कि 10 दिनों में इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। 10 दिन ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम 2 डेज। 10 मिनट का ये लेक्चर है, 10 मिनट का वीडियो है ये। इसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा, जी सर, विदाउट एनी प्रेशर आई कैन डू इट, इजंट इट नॉलेज। तो देखिए हमारा कहानी क्या होने वाला। आपको पता है आपका जो 100 मार्क्स का सिलेबस है इंग्लिश का, इसका एग्जाम 2 ग्रुप में होता है। कायदे से आपने कहने की कोशिश किया इसे ग्रुप ए, अरे बोलो ना, हाँ, इसे कहा आपने ग्रुप ए, और इसे आपने कहने की कोशिश किया ग्रुप बी। 50% क्वेश्चन आपका आता है ऑब्वियस, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव, और 50% क्वेश्चन आपका आता है सब्जेक्टिव, मतलब डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो सब्जेक्टिव को बिना पढ़े आप लिख सकते हैं। कहेंगे सर ये क्या बदतमीजी है, बिना पढ़े काम कैसे हो जाएगा? मतलब बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सुनिए, इसका कुछ ऐसा एरिया है आपके एग्जाम में, आप ग्रुप बी का, जो आपके एग्जाम में आता ही है। केवल सुन लीजिएगा, दिक्कत आपको नहीं होगा। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपका आता है राइटर के नाम और पोएट के नाम को मैचिंग करने के लिए पूछेगा, और इस बात को आप जानते ही हैं। हम आपको फिर से समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं, बच्चा पार्टी में आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं, चीज़ों को समझिएगा। हमने आपको ये कहा, आप इस बात को जानते हैं कि आपका आपके रेनबो पार्ट टू में आपके रेनबो पार्ट टू में कुल मिलाकर के 21 लेसन। ठीक है, इसमें से 5 नंबर का 1 और फिर 5 नंबर का 1, मतलब दूसरा इस टाइप से 5 नंबरी देगा आपको। लेखक के नाम का, राइटर के जो आपका नेम होता है, राइटर का नेम आपका हो गया, पोएट का नाम आपका हो गया, इसके नेम को मैचिंग करने के लिए आपको देता है। और यहां से 5 5 10, यहां से 10 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेखक के नाम को याद करने का जो आपका कॉन्सेप्ट है आपको पता है, और हमको लगता है कि हम इसका वीडियो यूट्यूब पे डाल चुके हैं, या किसी भी तरीके से आप उनके नेम को लिंक करके याद कर लेते हैं अगर, तो 5 और 5 10 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। ये क्लियर है? इसके बाद हम कहानी को लेकर अगर आ गया है तो आपको यहां पर समझ में क्या आता है, आपको यहां पर समझ में आता है बच्चा पार्टी क्या? तो आप यहां पर समझते हैं, 5 मार्क्स का आपका आता है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, मतलब समझ में यह आता है कि एप्लीकेशन या लेटर, एप्लीकेशन या लेटर दोनों में से कोई भी आपका एक पोर्शन अच्छा है, कोई भी एक टॉपिक, या आपका एप्लीकेशन हो या लेटर हो, तो 5 नंबर आपको यहां से आ जाएगा। तो 10 नंबर आपका वो हो गया, 5 नंबर आपका ये हो गया। इसका भी वीडियो हम YouTube पे बना के डाल दिए हुए, सर्च कीजिएगा हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन बाय एसके श्रीवास्तव, मिल जाएगा आपको वहां से, या द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे सर्च करेंगे वहां भी आपको मिल जाएगा, या फिर से हम आजकल बना के इसको क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे नए तरीके से। ठीक है, 5 नंबर आपका ये हो गया। 8 मार्क्स का आपका पूछता है हाउ टू राइट एन एसे, हाउ टू राइट एन एसे। कायदे से अगर हम आपसे बातचीत करें तो एसे का मतलब होता है निबंध, और ये पूछेगा आपका 8 नंबर में, ये पूछेगा आपका 8 नंबर में। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, इसका मतलब समझ में आता है कि आप टेंथ पास आउट हैं ही, तो 10th क्लास में जो निबंध पूछता है हिंदी में, जस्ट वैसा ही निबंध आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर भी 12th में भी, ये आपका इंग्लिश में रहेगा। और किसी भी टॉपिक पे ऐसे कैसे लिखना है आपको हम बता देंगे, आप याद कीजिए किसी एक ही टॉपिक पर, लेकिन आप लिख सकते हैं सारे के सारे टॉपिक पर। बोलिएगा सर ये तो बदतमीजी हो गया, कि हम याद करेंगे किसी एक टॉपिक पर और लिख सकते हैं सब पर, हाउ इज इट पॉसिबल?
ये कैसे संभव है? तो एसे लिखने का जो फॉर्मेट होता है, हाउ टू राइट एन एसे ऑन एनी टॉपिक, अगर आप ये जान जाते हैं देन यू आर एबल टू डू दैट, इजंट इट? तो आप आराम से उस एसे को लिख सकते हैं। हम इसके बारे में आपको बता देंगे कि कैसे आप काम करने वाले हैं। फिलहाल आप देखिए आपका प्रेशर कैसे खत्म होने वाला है। ये 8 नंबर का आपका एसे हम लिख के बता देंगे, और रही बात गेस की, तब गेस कर देंगे कि हाँ बुआ इस टॉपिक को आप देख लीजिए, यहाँ से बाहर आपका ऐसे क्या होगा नहीं रहेगा। अगर कहिएगा सर कि इसी वीडियो में कर दिया जाए तो हम इसी में कर देते हैं। ऐसे आप किस किस चीज पे लिखिएगा? ऐसे लास्ट ईयर पूछे हुआ तो COVID-19, तो इस बात की गारंटी ये रहेगा है, और ये ठोकुआ गारंटी हम कहेंगे और रहेगा, ऐसा सवाल नहीं है। ये COVID-19 आपका एक हो गया। दूसरा विलेज फेयर, विलेज फेयर, और तीसरका के बात करें अगर आपसे हम, तो हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, आपकी जीवन का सबसे खुशहाल दिन, और अगर चाहे तो आप एक और कर लीजिए एम ऑफ योर लाइफ, एम ऑफ योर लाइफ। बच्चों मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश किया कि आपका जो एसे है यहां से आप 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन, आप अपने एग्जाम में। ऐसे निबंध किस किस टॉपिक पे लिखने वाले हैं, आप किस किस चीज आप करने वाले हैं, रिमेम्बर याद? तो आपका COVID-19 हो गया, विलेज फेयर हो गया, हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ एंड एम ऑफ योर लाइफ, यहां से बाहर आपका ऐसे नहीं रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप अपने तरीके से काम कर लीजिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है? अब कायदे से अगर हम बात करें आपसे, तो आपका 8 नंबर ऐसे हो गया, 5 नंबर एप्लीकेशन हो गया, 10 नंबर आपका हो गया लेखक के नाम का मैचिंग, ठीक है? इसके बाद अगर हम आपसे आगे बात करें बच्चा पार्टी, तो 5-5 नंबर का आपका आता है, 5 मार्क्स का आपका आएगा 2 समरी आएगा, 5 मार्क्स का क्या आएगा आपका 2 समरी आएगा। एक समरी आपका आता है प्रोज सेक्शन से, एक समरी बाबूजी आपका आएगा प्रोज सेक्शन से आएगा, एक यहां से आएगा, और एक आपका आएगा पोएट्री सेक्शन से, POETRY, एक आपका आएगा पोएट्री सेक्शन, ठीक है? एक समरी आपका यहां से आता है, एक आपका यहां से आता है। अब मुद्दे वाली बात समझ में आती है कि इसमें आप कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट समरी होगा? तो तीन को इसमें बोल देते हैं, तीन को इसमें बोल देते हैं, वो तीनों रहेगा आपके एग्जाम में, आप आराम से उसको लेके आ जाइएगा। एक हमारा हो गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, INDIAN, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एक तो हमारा ये हो गया बाबूजी। दूसरा भारत इज माई होम, दूसरा भारत इज माई होम, एंड लास्ट वन इज दैट, थर्ड कर लीजिएगा आप इस चैप्टर का आई हैव अ ड्रीम, इस एरिया का आई हैव अ ड्रीम। अगर हम यहां आपको समझाने की कोशिश करें, हमने क्या कहा आपको, 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है 2 समरी, एक आपका आएगा पोएट्री सेक्शन से, एंड सेकेंड वन इज दैट, दूसरा कहां से आपका आएगा प्रोज सेक्शन से। तो प्रोज में आप क्या क्या करने वाले हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें भारत इज माई होम, इसमें क्या आई हैव अ ड्रीम, तीन यहां कर लीजिए आप। और अगर हम कायदे से बात करें पोएट्री सेक्शन की तरफ, तो इसमें भी आप तीन कर लीजिए, इसमें कर लीजिए आप एक क्या स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव, दूसरा कर लीजिए क्या बोलते हो उसको द सोल्जर, द सोल्जर, और तीसरा क्या कर लीजिए माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी नानी माँ का घर। आई गारंटी यू अगर आप इसको कर लेते हैं तो 5 मार्क्स का ये समरी और 5 मार्क्स का ये समरी छूटेगा आपका नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई शक की बात नहीं है, ठीक है? अब आपने यहां पर समझने की कोशिश क्या क्या किया था, आपने यहां समझने की कोशिश ये किया था बच्चा पार्टी, आपने ये देखा था कि 5 मार्क्स का था आपका एप्लीकेशन,
10 मार्क्स का था आपका लेखक के नाम का मैचिंग, 8 मार्क्स का था आपका जानते हैं क्या, 8 मार्क्स का आपका था एसे, और 10 मार्क्स का क्या हो गया आपका दूठो समरी। तो 10 10 20 हो गया, अब 20 13 कितना हो गया हमारा 33। ठीक है बच्चा पाठी, 5 मार्क्स का आपका जानते हैं क्या आता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपका आएगा 1 पॉइंट नंबर ही आएगा आपको, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से यहां से आपका आता है 1 पॉइंट नंबर ही। अब पूरा के पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 4 क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बनता है। एक बनेगा आपका राइट अ, एक बनता क्या आपका बच्चा पार्टी राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडल इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। इसके बाद मॉडर्न को हटा दिया, यहां पूछ सकता है मिडल इंग्लिश, मिडल इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश ओई। हमने आपको क्या कहा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडल इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश, और इन तीनों के अलावा जो आपका एक क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है बच्चा पार्टी, वो ये बनता है हाउ कैन यू प्रूव इट, हाउ कैन यू प्रूव इट, आप कैसे साबित कर सकते हैं, हाउ कैन यू प्रूव इट, आप कैसे साबित कर सकते हैं दैट के इंग्लिश इज अ, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, आई एन टी ई आर एन ए टी आई ओ एन ए एल, इंटरनेशनल लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज। इस वर्ड को हटा देगा और यहां क्या डाल देगा आपका ग्लोबल लैंग्वेज, मतलब आप कैसे साबित कीजिएगा कि आपका अंग्रेजी जो है वह अंतरराष्ट्रीय भाषा है। 4 क्वेश्चन बनता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, उस चारों को अगर आप देख लेते हैं तो 5 नंबर का फिक्स है और कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आप निकालेंगे अपने बुक को पढ़ेंगे हो जाएगा, या नहीं होगा तो हम एक ऐसा बना है आंसर कि क्वेश्चन कोई रहे आंसर वही होगा, थोड़ा थोड़ा आपका रहेगा इसमें डिफरेंस मिल जाएगा आपको। तो आपने क्या देखा, 5 नंबर आपको यहां से आ गया। इसके बाद हमारा कहानी क्या होने वाला बच्चा पार्टी, इसके बाद हमारा कहानी होने वाला है और पूछता है आपका व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेनेशन पूछेगा, अब पूछेगा आपसे क्या कहेगा क्या करने के लिए, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन को हम सारे प्यारे बच्चे हिंदी में कहने की कोशिश करते हैं क्या, व्याख्या, ये हिंदी में मतलब इंग्लिश में लिखिए, एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा आपसे, हाउ टू एक्सप्लेन, कैसे करें एक्सप्लेन। यहां से पूछेगा आपका 4 और 4 दो पूछेगा आपका चरण नंबर 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक रहेगा आपका पोएट्री सेक्शन से और एक रहेगा आपका प्रोज सेक्शन, एक रहेगा आपका पोएट्री सेक्शन से और एक बच्चा पार्टी कहां से रहेगा आपका प्रोज सेक्शन से। जब ये वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा, इसको बना लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम कि हाउ टू एक्सप्लेन एनी क्वेश्चन या एनी लाइन, एनी लाइन किसी पंक्ति को या किसी प्रश्न को अगर पूछता है किसी प्रश्न के बारे में, मतलब कोई पंक्ति दे देगा बोलेगा इसका व्याख्या करें, उसका व्याख्या कैसे किया जाता है हम आपको बताएंगे इस लेक्चर के बाद। तो 4 4 8 नंबर आपका ये हो गया, ठीक है। अब कितना बचा आपका, 5 मार्क्स का एप्लीकेशन, 10 मार्क्स लेखक के नाम का मैचिंग, लेखक के नाम के मैचिंग में आता है ट्रांसलेशन तो उसको छोड़ दीजिएगा, लेखक के नाम के मैचिंग में आपका बच्चा पार्टी क्या आएगा ट्रांसलेशन, उसको छोड़िएगा। क्यों छोड़िएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन का एक भी वर्ड बाय डिफॉल्ट अगर आप मिस करते हैं तो आपका मार्क्स कटने के चांसेस वहां बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप लेखक के या कवि के नाम को मिलाएंगे तो आई गारंटी यू आपको 10 में 10 आएगा, आप मिस नहीं करने वाले, ठीक है। 5 मार्क्स का आपका ये क्या हो गया एप्लीकेशन, 10 आपका हो गया लेखक के नाम का मैचिंग, 8 नंबर आपका होगा क्या बोला ऐसे, 10 नंबर का आपका होगा 5 5 नंबर का समरी, 5 नंबर आपका होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, कितना हो गया 10 10 20 और 10 30
दस दस बीस और दस तीस, आठ कितना हमारा हो गया 38, आठ नंबर का आपका हो गया ये, तो 38 आठ कितना हो गया 8 8 16 के 6 हाथ में एक और 3 1 4, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जोड़े ना आप, पांच नंबर का एप्लीकेशन, पांच नंबर का स्टोरी ऑफ इंग्लिश, आ 10 नंबर का आपका क्या हो गया लेखक के नाम का मैचिंग, 10 नंबर का आपका हो गया समरी, 8 नंबर का आपका हो गया ऐसे, ठीक है, 8 नंबर का आपका क्या हो गया वो हो एक्सप्लेनेशन, हो गया 46। अब बाकी आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दो गो रहेगा आपका 2 नंबरी, और रेनबो पार्ट टू में से आपका 5 नंबर का रहता है, सॉरी 5 गो रहता है 2 नंबरी क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका, सर ऐसे में तो क्या हो गया हमारा 2 2 4, अब 5 2 10, तो 10 4 14 तो हमारा यू हो गया, 46 हमारा भी हो गया, तो सबके एक दो रहेगा अथवा रहेगा, आपको मन है तो आप ये बनाइए, मन है तो आप वो बनाइए, ठीक है। तो क्या बोलते हो उसको, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का और रेनबो पार्ट टू का जो आपका क्वेश्चन आंसर है, अगर ये या आपको याद है तो पूरा मार्क्स आपको आ जाएगा, कौन कौन क्वेश्चन रहेगा आपको हम बता देंगे, अगर नहीं है तो उसका एक तरीका है जो आपको बताएंगे हम। और इसके बाद लास्ट आपका बचता है पैसेज, बचेगा क्या आपका पैसेज, लास्ट आपका बचता है पैसेज या प्रेसियस, PRECIES। बउआ हो यहां बच्चा फंस जाता है, बच्चा क्या करता है वो बना लेता है प्रेसियस, इसका मतलब होता है संक्षेपण, इसका मतलब क्या होता है संक्षेपण, इसे बात कुछ सुनिएगा ध्यान से, संक्षेपण बनाता है तो संक्षेपण होता क्या है, दोनों मिलाकर रहेगा आपका 4 नंबर का, मतलब या तो आप ये बनाइए या ये बनाइए, एक के अच्छा में रहेगा आपका दूसरा, यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन सोल्व पैसेज या प्रेसियस, आपको इच्छा है आप ये बनाइए, आपको इच्छा है आप ये बनाइए। अच्छे बच्चे प्रेसियस नहीं बनाते हैं, कहिएगा सर क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट अ गुड स्टूडेंट डोंट वॉन्ट टू सॉल्व एनी पैसेज इन हिज एग्जामिनेशन, रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या रीजन है वो सुनिएगा। जो आपका होगा पैसेज, आपका जो होगा पैसेज, तो कहता है क्या इस पैसेज को पढ़िए, रीड केयरफुली द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट सुटेबल टाइटल, और इसके साथ साथ आपको उचित शीर्षक का नाम भी लिखना होता है, ठीक है। अब सुटेबल टाइटल अगर आपसे नहीं लिखाया तो 1 नंबर आपको आई में काट लिया, आ टाइटल को देख के देख करके जो आपका एग्जामिनर उसको समझ में ये चला आता है कि आप अच्छे बच्चे नहीं है, तो जो 3 नंबर बचा हुआ है उसमें से 1 नंबर को और काट लिया, मिला आपको कितना मार्क्स 2 मार्क्स, तो 4 नंबर मिला आपका 2 नंबर, 50% मिला आपको नंबर, 50 आपका कट गया। अब वैसे भी बच्चा कैसे बनाएगा पैसेज, वो वर्ड को काउंट करता है, 3 से भाग करता है और इसके बाद बनाता नहीं, ये काम तो है सो है ही, आपको देखना होता है कि पैसेज में, सॉरी प्रेसियस में संक्षेप करने वाला जो पंक्ति दिया गया है उसमें किस किस पंक्ति को हम यूज नहीं भी करेंगे, तो इसके बावजूद भी हम इसका संक्षेपण करके शॉर्ट करके इसके मूल बातों को बता सकते हैं, ऐसा सारा बच्चा नहीं कर पाता है, उस सीधा एक लिखेगा ऊपर के, एक बीच में के, एक नीचे, सुटेबल टाइटल कोई बनाया कोई नहीं बनाया, इस तरीके से आपका मार्क्स कट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बनाते हैं पैसेज, सॉरी ये हमारा यहाँ लिखा था प्रेसेस लिखा था, लेकिन अगर आप बनाते हैं पैसेज, तो पैसेज में क्या होता है, किसी पैसेज को देगा आपको, आप उसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, और इसके नीचे में देगा आपको 4 ऑब्जेक्टिव, सब में रहेगा 4 4 ऑप्शन, तो पैसे पढ़े हुए आप ऑप्शन देख करके उसको कीजिए टिक आउट, और ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा 4 में 4 4 में 4। तो ये रहा कहानी किसका आपका सब्जेक्टिव का, किसका बच्चा पार्टी, तो इस वीडियो में हम केवल बात करते हैं सब्जेक्टिव का कैसे करना तैयारी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताने करें कोशिश हाउ टू प्रिपेयर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।